वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई इसका विरोध जता चुके हैं। इसी बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह जो कानून पीएम मोदी लेकर आए हैं, इससे वह हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि RSS और बीजेपी देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर AIMIM प्रमुख ने कहा कि हमारे मुल्क में एक कानून बनाया जा रहा है जिससे हमारी ज़मीनों को हमसे छीन लिया जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहा है, लेकिन वो एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे हमारी मस्जिदों को हमसे छीना जा सके। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूं कि इनकी नीयत क्या है। हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब और नहीं खोएंगे। ये जो कानून पीएम मोदी लेकर आए हैं, इससे वो हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों को चुन चुन कर बर्बाद कर दिया है। सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोई महाराष्ट्र में कह रहा है कि मस्जिद में घुसकर मारूंगा। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। जैसे हिटलर के ज़माने में यहूदियों पर जुल्म होते थे, वैसे ही आज देश भर में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना है। गुस्ताखी करने की कोशिश करा, कभी नहीं बोला गुस्ताखी किया, गुस्ताखी करने की कोशिश करा। अगर कोई वो दीवाना आसमान को देख के थूका तो थूक भी किस पे गिरता, कोशिश किया। तो हाजी शहजाद अली जो है 20,000 स्क्वायर फीट का अपना नया घर बनाए, एहतजाज किए उस मलून के खिलाफ। अच्छा, जो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, उसको कुरान क्या बोला मालूम आपको? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है, गलतियां हैं। उसको बुला के बोले तेरे में ये ऐब है, तेरे में ये ऐब है, मानते गया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है, तू अपने, नहीं नहीं कुरान में है ये, पूछो अब, तुम अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। कुरान बोल रहा, मैं अपनी कुरान की बात कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो खैर, हाजी शहजाद अली एहतजाज किए, पुलिस को मैजर दिए, गड़बड़ हो गई, उन्होंने समझाए, पत्थर फेंक दिए। तो मध्य प्रदेश की पुलिस बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिए, 20,000 स्क्वायर फुट का। हाजी शहजाद अली ने बयान दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए एहतजाज किया, एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर क्या, ऐसे 10 घर मैं आका पर कुर्बान करता हूं। मगर मेरे भाई, हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। नए घर में सामान रख रहे थे, बीजेपी की जालिम हुकूमत ने घर को तोड़ दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक महल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का DM बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा, सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है।